Was today I'm going to tell you about a variable. A variable is an identifier whose value changes from time to time. During execution of program, an update the value stored inside it. Variable एक ऐसा identifier है जिसकी value समय समय पर change होती रहती है execution के समय program में और वो अपने memory में value को store करता है. और या आप कह सकते हैं सी वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन अ मेमोरी वेयर अ प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट द डेटा. दिस लोकेशन इज यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सी वेरिएबल मे गेट चेंज इन द प्रोग्राम. मेमोरी जैसे ही आप कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं तो एक बॉक्स बन जाता है मेमोरी का जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है और समय समय पर एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम से वो डेटा चेंज होता रहता है. A single variable can be used at multiple location. अब एक variable आप कहीं भी use करते हैं तो उसको आप कई जगह पर use कर सकते हैं. A variable name must be meaningful. अब ऐसा variable name रखना चाहिए कि बाद में भी अगर कोई program देखे तो उसको समझ में आए कि कौन सा variable किस चीज के लिए use किया गया है. Otherwise वो program आपका नहीं समझ पाएगा. It should represent the purpose of the variable. जैसे अगर टोटल कर रहे हैं आप तो टोटल वेरिएबल नेम रख दीजिएगा तो समझ में आएगा. या एवरेज कर रहे हैं तो एवीजी रख देते हैं तो समझ में आएगा. अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट बिफोर इट इज यूज्ड समवेयर इनसाइड द प्रोग्राम. अब जब कोई वेरिएबल हम कहीं प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो उसके पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. उसका टाइप उसका यूज सारा इनिशियलाइज करना पड़ता है. उसकी इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है. A variable name is a formed using character, digit and underscore. आपका variable का नाम जो होता है वो character, digit और underscore से मिलकर बना होता है. उसका कुछ rule है जो अभी हम आपको बताएंगे. C variable must be belong to any of the data type. और variable कोई भी data type हो सकता है चाहे like, int, float, character और void. तो इस तरह से variable का कोई मतलब है C में और बिना वेरिएबल को डिक्लेयर करें हम उसको यूज नहीं कर सकते. नाउ द रूल ऑफ द फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल नेम. अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर ए जेड लोअर केस ए जेड ए टू जेड एंड डिजिट 0 to 9 एंड द अंडरस्कोर करेक्टर. एक स्पेशल करेक्टर में केवल अंडरस्कोर करेक्टर फर्स्ट करेक्टर हो सकता है और कोई भी स्पेशल करेक्टर वेरिएबल में अलाउड नहीं होता है बशर्ते ए टू जेड बड़ा और छोटा और नंबर 0 to 9. फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर. और पहला करेक्टर या तो लेटर हो सकता है या तो अंडरस्कोर हो सकता है. ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल. कोई भी ब्लैंक स्पेस अगर है तो वो यूज नहीं होगी. स्पेशल करेक्टर लाइक हैश डॉलर्स आर नॉट अलाउड. सी कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. अब ये हैश डॉलर क्यों नहीं यूज हो सकता क्योंकि हैश हमने आपको बताया प्री प्रोसेसर में यूज होता था. डॉलर जो है स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए यूज होता है और कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं सी के जो पहले से इनका कुछ मतलब लाइब्रेरी में होता है इसलिए हम उनको वेरिएबल में नहीं यूज कर सकते. वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव. अभी पहले भी हमने कॉन्स्टेंट में बताया था केस सेंसिटिव मीन्स है कि स्मॉल है तो स्मॉल ही को समझेगा और बिग है तो बिग को ही समझेगा. अगर टोटल में आप टी बड़ा कर देते हो और छोटा करते हैं और बाद में सारा टोटल बड़ा या छोटा लिखते हैं तो वो नहीं पहचानेगा. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और अल्फा कैटेगरी और अल्फा न्यूमेरिक. तीन तरह की वैल्यू हो सकती है. वेरिएबल टाइप कैन बी कैरेक्टर इन फ्लोट डबल और वॉइड. अभी हमने इसको पहले भी बताया. C is a case sensitive language that means variable name age and age are different. जैसा कि अभी हमने आपको बताया. Following are the example of valid variable name. अब valid और invalid variable name क्या होते हैं इसको समझ लीजिए. Height और height one. My name. ये सब लिखने का तरीका सही है और ये valid variable. लेकिन अगर आप one height लिखते हैं तो one पहला character नहीं हो सकता इसलिए वो invalid है. हाइट में बीच में डॉलर आ गया तो ये गलत है. माई नेम में बीच में स्पेस आ गया तो ये गलत है. तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हो गए.
वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर इन अ सी प्रोग्राम बिफोर टू यूज। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि वेरिएबल अगर आप यूज करते हैं तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर का मतलब है कि उस नाम के वेरिएबल से एक मेमोरी खुल जाती है, मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाती है। मेमोरी स्पेस इज नॉट एलोकेटेड फॉर वेरिएबल वाइल डिक्लेरेशन, इट हैपन ओनली व्हेन वेरिएबल डेफिनेशन विल बी डन। तो अब उस नाम से एक जगह तो बन जाती है, लेकिन वो उसमें वैल्यू तभी जाती है जब उसको हम असाइन करते हैं। तो जैसे हमने लिखा वेथ और हाइट इक्वल्स टू 5, तो दोनों में 5 वैल्यू, एक मेमोरी खुल तो जाएगी लेकिन उसमें वैल्यू तभी जाएगी जब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो वेथ और हाइट इक्वल टू 5 लिखा तो उनमें 5 वैल्यू आ गई। करेक्टर लेटर विद इन कोट्स, हमने बताया था सिंगल कोट्स के अंदर जब हम कुछ लिखते हैं तो वो करेक्टर कहलाता है। तो हम कोट्स ए लिखेंगे तो लेटर के अंदर ए चला जाएगा, और लेटर नाम से एक जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर इनिशियलाइजेशन तभी होगा जब हम कोट्स के अंदर ए लिखेंगे। फ्लोट एज एरिया 2.5, अब एज या एज कॉमा एरिया हमने 2 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट में एज नहीं होगी। डबल डी, अब डबल डी क्या है, इसका प्रिसीशन 14 प्लेसेस तक हो सकता है। विड्थ जो है 10 लिखा हमने, एज फिर उसने 26.5 दिया जो गलत है, 0.5 का कोई मतलब नहीं है। स्टैटिक एरे, अब एरेज अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्टैटिक एरे हो सकती है और डायनेमिक एरे हो सकती है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, स्टैटिक एरे में जितने करेक्टर आप विद इन पैरेंथेसिस ले लीजिएगा उतने ही करेक्टर एरे में जाएगा, और जब हम करेक्टर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो डायनेमिक एरे बन जाएगी। इसमें चाहे जितने करेक्टर आप स्पेसिफाइड पोजिशन तक ले सकते हैं, 255 करेक्टर तक मैक्सिमम यहाँ पे ले सकते हैं। देन पॉइंटर, अब पॉइंटर क्या होता था, जब हम किसी भी वेरिएबल के आगे स्टार लगा देते हैं वो पॉइंटर बन जाता है, और उसमें हम डायरेक्ट अपने करेक्टर को असाइन कर सकते हैं, हमें इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा। अब पॉइंटर भी दो तरह का होगा, स्टैटिक और डायनेमिक। अब डायनेमिक जब होगा तो उसमें डबल डायमेंशन एरे आ जाएगी, डबल डायमेंशन मतलब रो और कॉलम दोनों होगा, तो हम ये नाम कृष्ण राम कृष्ण सब एरे में डबल डायमेंशन में स्टोर कर पाएंगे। अब हम प्रिंट कैसे करते हैं वेरिएबल को सी में, इसको बताते हैं। सी प्रोग्राम टू प्रिंट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इंक्लूड स्टूडियो .std.io.h, हमने बताया था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं, लाइब्रेरी है जो। void main int age equals to 33, सी प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे प्रिंट एफ आई एम परसेंट डी ईयर ओल्ड, अब परसेंट डी जो यूज हुआ है एज के लिए यूज हुआ है, तो जब वो हम प्रिंट करेंगे तो देगा आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। अब नीचे जाएंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्राम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल में 3 तरह के वेरिएबल टाइप्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और एनवायरमेंटल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या है, द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल विल बी विद इन द फंक्शन मेन, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर विद इन द फंक्शन एंड कांट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन, अगर फंक्शन में आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो बाहर नहीं यूज हो पाएगा। इन द बिलो एग्जाम्पल एम एंड एन आर वेरिएबल आर हैविंग स्कोप विद इन द मेन फंक्शन ओनली एंड दीज आर नॉट विजिबल टू द टेस्ट फंक्शन। Likewise, the A and B variable are having scope within the test function only, and these are not visible to the main function. अब मान लीजिए main function आपका जो define है उसमें जो variable use है वो main function में use होगा, और जो उसके अंदर और function अगर अगर program में use है तो उसमें अगर value use है तो वो केवल उस function में use होगी। अब यहाँ पे main में देखिए हमने int m equals to 22 and equals to 44 दे दिया, तो m में 22 और n में 44 है,
अब m और n आर लोकल वेरिएबल फॉर द मेन फंक्शन, तो ये मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल बन गए ना, हैविंग अ स्कोप विद इन दिस मेन फंक्शन ओनली एंड दीज आर नॉट विजिबल टू द टेस्ट फंक्शन। अब हमारे इस प्रोग्राम में दो फंक्शन है, void test, void test एक ग्लोबल फंक्शन का टेम्पलेट है जिसको हमको यूज करना पड़ता है जब कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो मेन से पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है। इफ यू ट्राई टू असेस अ ए बी इन दिस फंक्शन यू विल गेट अ अनडिक्लेयर ए एंड बी एरर। प्रिंट एफ बैकस्लैश एन हमने बताया था स्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन के लिए, वैल्यू एम इक्वल्स टू परसेंट डी एंड एन इक्वल्स टू परसेंट डी, तो ये 22 और 44 को प्रिंट कर देगा। अब टेस्ट में आए, टेस्ट में हमने ए और बी को 50 और 80 डिफाइन किया। ए एंड बी आर लोकल वेरिएबल ऑफ द टेस्ट फंक्शन, ए एंड बी वेरिएबल आर हैविंग स्कोप विद इन दिस टेक्स्ट फंक्शन, दीज आर नॉट विजिबल टू मेन फंक्शन। अब जो टेस्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन हुआ है वो मेन में नहीं जाएगा और मेन में जो डिफाइन हुआ है वो टेस्ट में नहीं आएगा जब तक कि हम उसको फंक्शन में पास नहीं करते। इफ यू ट्राई टू असेस एम एन इन दिस फंक्शन यू विल गेट द एम अनडिक्लेयर एंड अनडिक्लेयर एरर। प्रिंट एफ परसेंट बैकस्लैश एन वैल्यू ए परसेंट एंड बी परसेंट ए बी, तो ये 50 और 80 प्रिंट कर देगा, तो दोनों का आउटपुट क्या होगा, पहले का m और n 22-44 हो जाएगा और दूसरे का 50 और 80 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो वेरिएबल जिस फंक्शन में है उसी में प्रिंट होगा, उसी में एक्सेस होगा, उसी में एडिट होगा, उसमें जो कुछ आप करना चाहिएगा असाइन होगा, उसके बाहर नहीं होगा जब तक कि वो फंक्शन में पास नहीं किया जाता। एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो हर जगह यूज किया जा सकता है। द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल विल बी थ्रू आउट द प्रोग्राम, दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, जो किसी भी प्रोग्राम के कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। दिस वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन सो दैट दिस वेरिएबल इज विजिबल टू मेन फंक्शन एंड ऑल अदर्स फंक्शन। इसको कहाँ डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है मेन फंक्शन के पहले। तो जब मेन फंक्शन के पहले कोई वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए void test function डिफाइन किया तो ये भी ग्लोबल हो गया। int m equals to 22 n 44 हो गया, int a equals to 50 और b equals to 80 हो गया। अब हम मेन फंक्शन में जब इन चारों को प्रिंट करेंगे तो ये ऑल वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड फ्रॉम मेन फंक्शन, क्यों, क्योंकि मेन के पहले इस वेरिएबल को डिफाइन किया जा चुका है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के कुछ लॉसेस भी हैं, जो एक जगह चेंज होता है तो हर जगह चेंज हो जाता है, और हर जगह चेंज हो जाता है तो उससे प्रोग्राम में प्रॉब्लम भी हो सकती है। खैर बहरहाल इसको करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जब हमने इसको डिफाइन कर दिया बाहर, अब ये चारों प्रिंट हो गया, अब वॉइड में जाएंगे तो वॉइड में भी प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉइड में भी ग्लोबल वेरिएबल जैसा काम करेगा, तो दोनों में ये वेरिएबल को चेंज कर देगा। अब मान लीजिए हम अगर किसी वेरिएबल को टेस्ट या मेन में चेंज करते हैं तो वो सब जगह चेंज हो जाएगा, तो जिससे अगर हम केवल टेस्ट में चेंज करना चाहते हैं तो वो मेन में भी चेंज हो जाएगा, और मेन में चेंज करना चाहते हैं तो टेस्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो बी केयरफुल टू डिफाइन द ग्लोबल वेरिएबल, इट कैन अफेक्ट द होल प्रोग्राम एंड गिव द अनवांटेड रिजल्ट इन योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ग्लोबल वेरिएबल बहुत कन्फर्म हो तभी आप डिफाइन करें, जो चीज़ हर जगह एक जैसी यूज होनी है उसी वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द एनवायरमेंटल वेरिएबल इन सी, एनवायरमेंटल वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल सी एप्लीकेशन एंड सी प्रोग्राम। वी कैन एक्सेस दिस वेरिएबल फ्रॉम एनीवेयर इन द सी प्रोग्राम विदाउट डिक्लेयरिंग एन इनिशियलाइजिंग इन एन एप्लीकेशन और सी प्रोग्राम। ये ऐसे वेरिएबल हैं जो बिना डिफाइन और डिक्लेयर किए भी एक्सेस किए जा सकते हैं। द इनबिल्ट फंक्शन विच आर यूज टू एक्सेस द मॉडिफाई सेट दिस एनवायरमेंट वेरिएबल आर कॉल्ड एनवायरमेंट
are called environment variable, environment function. तो तीन function है जो हम लोग use करते हैं, get environment, set environment and put environment. Get environment क्या करता है? This function gets the current value of the environment variable. Let us assume that environment variable dir is assigned to usr bin test. अब मान लीजिए dir में हमारा path set है user bin और test. तो include studio.h और include stdlib.h जब हम header file use करेंगे और जब हम अंदर जाएंगे तो वहां पे लिखेंगे print directory equals to percentage. अब हमने कल आपको बताया था percentage for string. और ये जो डिफाइन है वो क्या है, इन कोट्स डबल कोट्स डिफाइन है, तो वो एक स्ट्रिंग है. गेट एनवायरनमेंट dir हम जब करेंगे तो क्या करेगा, dir वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू असाइन है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, यूजर बिन और टेस्ट, क्योंकि dir में ये वैल्यू असाइन है. अब सेकंड आया सेट वेरिएबल. अगर गेट वेरिएबल किया है तो वेरिएबल पहले कहीं सेट भी होगा तभी तो मिलेगा. दिस फंक्शन सेट द वैल्यू फॉर एनवायरनमेंट वेरिएबल. लेट अस अज्यूम दैट एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल इज टू बी असाइन यूजर बिन एग्जांपल डॉट सी. अब मान लीजिए हमने फाइल में यूजर बिन एग्जांपल डॉट सी को असाइन कर रखा है, तब हम एसटीडी आईओ एसटीडी लिब को डिफाइन करेंगे हेडर फाइल, मेन में लिखेंगे, सेट एनवायरनमेंट करेंगे, फाइल वेरिएबल लेंगे, उसमें इस स्ट्रिंग को सेट करेंगे और मैक्सिमम 50 करेक्टर दे रखा है. प्रिंट फाइल इक्वल्स टू परसेंटेज बैकस्लैश गेट एनवायरनमेंट फाइल. अब फाइल में जो हमने वेरिएबल सेट किया है उसको हम गेट करेंगे और प्रिंट कर देंगे, तो जो हमने पाथ सेट किया है उसमें जो स्ट्रिंग सेट किया है वो प्रिंट हो जाएगा. Example program for put environment function inside. The function modify the value for environment variable. Below example program shows that how to modify an existing environment variable value. अब environment variable आपने get की और set की. अब उसको जब हमको modify करना होगा तो put environment करेंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Set environment dir. अगर आपने किया user bin example backslash 50 तो प्रिंट डायरेक्टरी नेम बिफोर मॉडिफाइंग, उसको मॉडिफाई करने से पहले उसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके, प्रिंट करने के लिए हमें गेट करना पड़ेगा, तो परसेंटेज बैकस्लैश एन और गेट एनवायरनमेंट करेंगे. तो dir में जो सेट है वो आपका, देखिए पहले सेट हुआ, फिर गेट किया, फिर dir यूजर होम कर दिया. अब हमने मॉडिफाई करके बिन की जगह होम कर दिया, तो डायरेक्टरी नेम आफ्टर मॉडिफाइंग क्या हो जाएगा, जो होगा उसको गेट करेंगे और dir को प्रिंट कर देंगे. तो जब हम मॉडिफाई डायरेक्टरी को प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा usr और होम. पहले वो प्रिंट करेगा usr bin example, बाद में usr होम. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. वेरिएबल डिक्लेरेशन जब हम करते हैं तो डिक्लेयर टेल द कंपाइलर अबाउट द डेटा टाइप साइज ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड द असाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफिकेशन टू द वेरिएबल. तो कंपाइलर को वो क्या क्या बताता है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका डेटा टाइप, उसकी साइज. जैसे ही आप डेटा टाइप करते हैं, हमने डेटा टाइप में आपको बताया कि बाइट्स में वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो उसकी साइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिट में. आपको कल बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा. वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मेनी टाइम. एक ही वेरिएबल हम कई जगह डिक्लेयर कर सकते हैं. द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफिकेशन टू द वेरिएबल. और जब हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल को की प्रॉपर्टी और उसका आइडेंटिफिकेशन पता लगता है. अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन एलोकेट्स मेमोरी फॉर द वेरिएबल. जब हम डेफिनेशन देते हैं तो वो मेमोरी उसके लिए एलोकेट करता है. इट कैन हैपन ओनली वन टाइम फॉर अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम. वेरिएबल डिक्लेरेशन कई बार हो सकता है लेकिन डेफिनेशन जो होती है वो एक ही बार होती है. असाइनमेंट ऑफ द स्टोरेज स्पेस टू द वेरिएबल. और इसमें
इस वेरिएबल के लिए स्टोरेज स्पेस असाइन होती है, इसमें प्रॉपर्टी और आइडेंटिफिकेशन असाइन होता है। तो दोनों में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में फर्क है, इसको आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको परेशानी ना हो। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर अबाउट अ वेरिएबल। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करिए इस टाइप के और वीडियो पाने के लिए, और सी अगर पढ़ना है तो उसको सब्सक्राइब करके और उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए। जितने भी ट्यूटोरियल हमने पढ़ाए उसको रन करके देखिए और समझिए। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप रन करिएगा तो आपको अच्छे से सी समझ में आएगी और आप आगे प्रोग्रामिंग करने में ईजिली कर पाइएगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। प्लीज़ फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू माई कम्युनिटी एंड कमेंट ऑन माई पोल्स एंड वीडियोज़। थैंक यू।